हेलो एवरीवन, मेरा नाम उषा शाही है और मैं ट्रैक द हिमालयाज में ट्रैक लीडर हूँ। जब से मैंने ट्रैकिंग फील्ड ज्वाइन की है तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे ट्रैक्स में ट्रैकर्स को शू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रैकिंग में ट्रैकिंग शूज़ कितने इम्पॉर्टेंट है, उनका सही साइज़ का होना और सही क्वालिटी का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो ट्रैक के दौरान ट्रैकर फेस करते हैं। मटेरियल को ध्यान में ना रखते हुए अगर हम सिर्फ ब्रांड पर फोकस करके ट्रैकिंग शूज़ परचेस कर लेते हैं तो हमें ट्रैक पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ट्रैकिंग शूज़ को परचेस करने से पहले सोल, इनसोल, टॉप लाइन के मटीरियल को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। वाइब्रियम सोल, ऑर्थोलाइट इनसोल और गोर्टेक्स अपर मैम्ब्रेन सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। काफ़ी सारे ट्रैकर्स की ये कंप्लेन आती है कि उनके शूज़ ख़राब हो गए हैं जबकि उनने एक ही बार यूज़ किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैकिंग शूज़ है उनकी शेल्फ लाइफ है वो 900 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक होती है या 3 to 5 ईयर होती है। अगर इससे ज़्यादा आप उसको यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सोल, गम और थ्रेड काफ़ी वीक हो जाते हैं। किसी भी दूसरे ट्रैकिंग गियर की तरह ट्रैकिंग शूज़ को भी क्लीन और मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग ट्रैकिंग शूज़ को पानी में डालते हैं और उसको डायरेक्ट सनलाइट में सुखाते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ट्रैकिंग शूज़ को हमेशा गीले कपड़े से साफ़ करके डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करना चाहिए। अक्सर विंटर और मानसून सीज़न में ट्रैकर अपने गीले जूतों को आग के सामने सुखाते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जूतों को आग के सामने रखने से जूतों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे उसका जो ग्लू है वो वीक हो जाता है, जिससे सोल निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप अपने जूतों को नेचुरली एयर ड्राई होने दें। ट्रेल पे नीचे उतरते समय कभी भी टो साइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शूज़ के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली जब टेरेन रॉकी और अनइवन हो। शू की हील साइड शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन होती है। टो साइड के ज़्यादा इस्तेमाल से स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप डिसेंडिंग के समय शूज़ को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं तो उतरते हुए हील्स का प्रयोग ज़्यादा करें। कुछ लोग ओरिजिनल ब्रांड के फर्स्ट कॉपी वर्जन का इस्तेमाल ट्रैकिंग पर करते हैं, पर वो ओरिजिनल ब्रांड के जितने गुड क्वालिटी और ड्यूरेबल नहीं होते। चीप क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज़ की वजह से ब्लिस्टर, फुट पेन और एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं तो आप ऐसे ट्रैकिंग शूज़ पर इन्वेस्ट करें जो हाई क्वालिटी मटीरियल से बना है। आई होप मैंने ट्रैकिंग शूज़ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।